हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको पता ही है, टाउन हॉल 13 आने वाला है। तो टाउन हॉल 13 के आने के साथ ही हमारा जो है, मतलब कि जो एग्जिस्टिंग जो हमारी बिल्डिंग्स है, मतलब कि वो भी अपग्रेड होंगी, और जो हमारे एग्जिस्टिंग ट्रूप्स हैं उनके भी लेवल इंक्रीज होंगे, और जो हमारे हीरोज हैं उनके भी लेवल इंक्रीज होंगे। और जैसा कि हमें पता ही है, टाउन हॉल 13 के साथ साथ हमारा एक नया जो कि ट्रूप भी आएगा। अब जो ट्रूप आएगा, मतलब कि हमारे जो बैरक्स हैं उनके, मतलब कि अपीयरेंस भी चेंज होगी, उनका लेवल भी बढ़ेगा। तो अपीयरेंस क्या होगी वो गाइज, अब ये सारा मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और गाइज, जैसा कि आपको पता ही, गिव अवे चल रहा है, तो गिव अवे के बारे में और जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ वाले बेल आइकन दबा देना मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं इस छोटे से इंट्रो के बाद। सो गाइस, चलिए हम अपने बात करते हैं हमारे बैरक्स के बारे में। सो आपको जैसे कि पता ही है, जो टाउन 13 का अपडेट आएगा वो क्रिसमस टाइम पे आएगा। तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि जो हमारा बैरक्स होगा उस पर कहीं ना कहीं क्रिसमस जैसी लुक दी होगी, या तो कोई आइस होगी या कुछ। सो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लेफ्ट की तरफ देखेंगे तो दो बैरक्स हैं, उन पर साइड पर आइस आइस हुई पड़ी है। तो गाइज, मेरे हिसाब से यही होगा। और गाइज, मैंने अपने पिछले आई थिंक 3 या 4 वीडियोस बैक मैंने आपको इसके बारे में वो भी ट्रूप भी बताया था कि कौन सा ट्रूप आने वाला है, और इसका बैरक्स की जो अपीयरेंस है वो उस ट्रूप के साथ बिल्कुल मैच कर रही है। और गाइज, एक इंटरेस्टिंग बात और आपको बतानी है, जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हीरो की स्किन कौन सी होगी, और कि हीरो की स्किन कौन सी होगी, और वही स्किन थी जॉली किंग। और मैंने जो अपनी पिछली वीडियो डाली इसमें कि मैंने अनलॉकिंग की है जॉली किंग की। सो गाइज, मैंने जो अपनी बताया था कि वही होगी, मैंने एक दिन पहले बताया था, तो वही निकली स्किन। सो गाइज, आप मेरी बात पे यकीन कर सकते हैं, और जो मैंने अपना वो बताया था ट्रूप वही होगा, क्योंकि उसी के हिसाब से बिल्डिंग बिल्कुल मैच कर रही है। सो गाइज, अब ये तो हो गई बिल्डिंग की बात और बैरक्स की बात, जो कि बैरक्स जो पक्का है यही बैरक्स होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे ट्रूप्स के बारे में। तो गाइज, जैसा कि आपने ट्रूप्स का आपको पता ही है, अगर हमारा कोई भी नया टाउन हॉल लेवल इंक्रीज होता है, जैसे कि 10 आया था, 11, 12, अब जैसे 13 आ रहा है, तो उसके हमेशा साथ साथ जो हमारे ट्रूप्स होते हैं उनके लेवल इंक्रीज होते हैं। जैसे कि अगर कोई 4 लेवल का मैक्स है तो वो 5 पे जाता है या 6 पे जाता है। सो गाइस, मैं अगर आप पिक्चर में देखें सामने, तो यहाँ आप देखेंगे बलून्स का जो लेवल है वो है 8। तो हमें पता है कि जो भी हमारे जो ट्रूप होता है, अगर वो मैक्स लेवल पे पहुंच जाता है तो उस पर फायर हो जाता है, मतलब फायर सा निशान आ जाता है। जैसे कि अगर 8 मैक्स है तो उस पर फायर आ जाता है। तो गाइस, अगर आप इस पर देखेंगे लेफ्ट की तरफ, तो 8 जो है उस पर फायर नहीं है। तो इसका मतलब कि ये जो ट्रूप है, जो बलून है, वो उसका लेवल इंक्रीज होगा। और गाइस, जो हमारा ड्रैगन है, अगर आप देखेंगे तो ड्रैगन वो भी जो मैक्स है वो 7 का है, बट गाइस उस पर भी फायर नहीं है, मतलब कि उसका भी जो लेवल है वो इंक्रीज होगा। और हम बात करें अगर गाइस, अगर हमने इलेक्ट्रो ड्रैगन के बारे में, तो इलेक्ट्रो ड्रैगन भी हमें पता है हमारा टाउन हॉल उस आया था, तो गाइस उसका जो वो था, जो लेवल था वो 3 था। तो मतलब उस पर फायर आया था 3 पे, बट गाइस अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो वो जो फायर है वो नहीं है। इसका मतलब कि जो ट्रूप है, जो मतलब इलेक्ट्रो ड्रैगन है, वो इंक्रीज होगा लेवल में। और गाइस अगर अब आप इस फोटो पे देखेंगे तो उस पर आप देखेंगे हीलर जो है लेवल 5 की हमें पता है मैक्स है, अगर और वॉल ब्रेकर्स भी आप देखेंगे लेवल 8 के मैक्स है, बट दोनों में ही कहीं पर वो नहीं है कि कहते हैं फायर नहीं है। तो इसका मतलब ये भी पक्का है कि दोनों हीलर 5 और वॉल ब्रेकर 8 ये इंक्रीज होंगे, क्योंकि गाइज हीलर का इंक्रीज होने का ये रीज़न ये है क्योंकि जो नया ट्रूप आएगा और जो नया बेस आएगा, या हर की मतलब कि एग्जिस्टिंग जो भी जितने डिफेंस होंगे उन सबके लेवल इंक्रीज होंगे, तो उन सबको हील करने के लिए पावर भी ज़्यादा चाहिए ट्रूप्स को। सो इसलिए, और वॉल ब्रेकर की इसलिए इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा टाउन हॉल 13 आ रहा है उसके साथ उसके वॉल्स भी तो अपग्रेड होंगी, तो उन वॉल्स को ब्रेक करने के लिए ये इनको इंक्रीज करेंगे। अब गाइज अगर हम बात करें अपने हीरोज की, तो हीरोज गाइस अगर आप इस पिक्चर में ध्यान से देखेंगे तो किंग जो है हमें पता है 65 मैक्स है, आर्चर 65 मैक्स है, और वार्डन 40 मैक्स है अभी तक के लिए। बट गाइस यहाँ पर कहीं पर भी फायर नहीं है, जैसा कि हमें पता है कि तीनों में फायर होना जरूरी था, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये मैक्स पे पहुंच चुका है। और गाइस आपने अगर वीडियो देखी होगी, जो उसने क्या कहते हैं अपने क्लैश ऑफ क्लैंस ने
अपनी ट्वीट की थी, अगर आप उन्होंने ट्विटर पे आपने उनको फॉलो किया, नहीं फॉलो किया तो आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप अगर फोटो को अगर आप ध्यान देखें, जिसमें कि इन्होंने गलती से TH13 भी रिवील कर दिया था, उसमें अगर आप जूम करके ध्यान से देखेंगे तो इनका जो बिल्ड हीरो है, हीरो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हीरो लेवल 70 का है, आर्चर 70 की है, और जो वार्डन है जो कि ग्रैंड वार्डन है वो 50 लेवल का है। तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि ये किंग और आर्चर 5-5 लेवल इंक्रीज होंगे, और जो वार्डन है वो 10 लेवल इंक्रीज होगा। सो गाइज, ये सारा मैंने आपको आज के वीडियो में ये बताना था कि TH13 के आने के साथ कौन कौन से अपग्रेडेशंस होंगे, क्योंकि वो तो हमें पता है कि TH13 तो दिसंबर से पहले आने ही वाला है। सो गाइज, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे गिव अवे की तरफ। तो गाइज, जैसा कि आपको पता है कि गिव अवे गोल्ड पास का होने वाला है, इस दिसंबर का जो गोल्ड पास है उसका गिव अवे करने वाला हूँ। बट गाइज, मेरी पिछली वीडियो में मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए कि भाई ये गिव अवे कब करेगा तू, मतलब कि ये डेट की गिव अवे कब होगा। तो गाइज, मैंने अपनी पिछली वीडियो और इससे पिछली वीडियो में गाइज गाइज क्लियरली बताया था कि जो ये गिव अवे होगा, गाइज ध्यान से सुनिए, जो गिव अवे होगा ये तब शुरू होगा जब मेरे सब्सक्राइबर्स 50 हो जाएंगे, जो कि गाइज अब मेरे 40 हो चुके हैं। तो जैसे ही गाइज मेरे 10 सब्सक्राइबर्स और इंक्रीज हो जाएंगे, ये गिव अवे स्टार्ट होगा। और ये गिव अवे होगा कि इनके लिए, मतलब ये किनको, ये गोल्ड पास किनको मिलेगा, ये उन दो को मिलेगा जिन्होंने मेरी वीडियो पे जिस पे सबसे मतलब जिनमें जिन्होंने मेरी वीडियो पे सबसे अच्छा कमेंट किया होगा उनको मिलेगा। और मैं कमेंट ऐसी रैंडम एक वीडियो पे नहीं उठाऊंगा, जिस वीडियो पे मेरे सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे उस वीडियो में मैं जाके देखूंगा कि सारे वो करके कि किसका सबसे अच्छा कमेंट है, और किन्हीं दो को मैं सिलेक्ट करूंगा, उनको रिप्लाई करूंगा कि यस गाइज आपको मिल रहा है। बट गाइज, इधर मैंने देखा ही कईयों का इधर रिप्लाई आ रहा है कि भाई सच में देगा या नहीं। सो गाइज, जैसे ही मेरे 50 हो जाएंगे, उसी टाइम चाहे वो रात हो, दिन हो या शाम हो, उसी समय मैं गिव अवे करूंगा, और मैं उसमें डिसाइड करूंगा कि कौन से दो मतलब कि व्यूअर्स को देना है जिन्होंने मेरे को कमेंट किया है, जिन्होंने अच्छा कमेंट किया है, वो मैं डिसाइड करूंगा, और उन्हीं दो को उसी समय मिलेगा। और मैं उनको रिप्लाई करके बताऊंगा कि आपको मिला है, और उनसे उनकी सारी इन्फॉर्मेशन लेके उनको मतलब कि गिव अवे कर दूंगा उनके। सो गाइज, ये कोई फेक नहीं है, मैं इधर झूठ नहीं बोल रहा कि ये होगा या नहीं, क्या आप इसमें कोई वो मत कीजिए कि भाई करेगा या नहीं करेगा। गाइज 101% कि मैं गिव अवे करने वाला हूँ। अगर मैं नहीं करना तो गाइज मैं पहले ही बोल देता मैं नहीं करना, क्योंकि ये भाई इसको मैं इसमें इंक्रीजिंग मैंने अपने अपने सब्सक्राइबर्स या व्यूज इंक्रीज करने कोई स्टंट नहीं यूज कर रहा। मैंने कहा कि मेरे साथ साथ जैसे कि आपके और आपके रिलेटिव को भी या आपके फ्रेंड्स को भी और गिव अवे मिले। सो गाइज, मैं इसलिए कर रहा हूँ और मेरे को कुछ नहीं है, अगर आप कमेंट अच्छा करते हैं तो आपको ही मिलेगा। इसमें मैं कोई बिजनेस नहीं करूंगा, या मेरा कोई फ्रेंड आ गया मैं उसको दे दूंगा, या मेरा कोई रिलेटिव आ गया उसको दे दूंगा। जिसका कमेंट आप खुद कहेंगे यस भाई इसका कमेंट अच्छा था, इसी को ही देना चाहिए था तुझे, उसी को मिलेगा। तो गाइज, जितना हो सके उतना अच्छा कमेंट कीजिए, और मेरे सब्सक्राइबर 50 तक पहुंचा दीजिए। और अभी दो गोल्ड पास आए हैं, मैंने इस मंथ में टोटल 10 गोल्ड पास गिव अवे करने हैं, अभी मैंने 2 किए हैं, और अगर गाइज मेरे 50 हो गए तो मैं अपनी अगली वीडियो में आपको ये भी बता दूंगा कि मैं अगले गोल्ड पास की जो मतलब कि पार्टिसिपेशन है उसमें कैसे, मतलब कितने क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो चलिए गाइज, अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और गाइज शेयर जरूर करना ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी इस पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेट कर सके। और गाइज, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ वाले बेल आइकन दबा देना मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।